नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया और आज नोएडा का AQI 500 के करीब रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन अभी भी नियमों की अनदेखी देखने को मिल रही है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। नोएडा की आबोहवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, नोएडा महामाया फ्लाईओवर के आसपास की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से 150 मीटर तक की रह गई है और महामाया फ्लाईओवर के आसपास में जो भी इमारतें थी वो यहाँ पर खड़े होकर नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आसमान की बात करें तो आसमान में पूरी तरीके से जो धुंध है वो धुंध छाई हुई है, आसमान नहीं दिख पा रहा है। जो नीला आसमान हुआ करता था वो धुंध के अंबार में पूरी तरीके से ढक चुका है। इस महामाया फ्लाईओवर की बात की जाए तो ये जो 8 हॉट स्पॉट गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित उनमें से एक जगह है। यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने 15 विभागों को एक साथ मिलकर पॉल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जरूर कही थी, लेकिन जिस स्तर पर पॉल्यूशन पहुँच चुका है गौतम बुद्ध नगर का वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्रवाई पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं। हालांकि नोएडा प्राधिकरण ने कल कार्रवाई की, 16 जगहों पर 3,20,000 रुपये के जुर्माने लगाए। वहीं UPSIDC ने ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई करते हुए एक निर्माण करने वाली कंपनी के ऊपर 12,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।